उत्तर प्रदेश बलिया जिले सड़क व नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप लगाया गया कि ग्राम प्रधान आरोप लगा रहे हैं कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए निर्माण नहीं होगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में लगभग 100 मीटर इंटरलॉकिंग रोड टूटी पड़ी है, जिससे कि आम जनमानस के लिए आना जाना दूभर हो गया। रास्ते में सालों से नाले का कीचड़ भरा। इस समस्या को ग्राम प्रधान निर्मा देवी एक नहीं कई बार कहा गया, लेकिन प्रधान द्वारा काम नहीं कराया गया। काम नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सहतवार थाना अंतर्गत टुमरिया गाँव का है। देवी कहाँ के रहने वाली हैं? डुमरिया के। कौन सा ब्लॉक आपका है? रोहती ब्लॉक। क्या है मामला? मामला यही है कि हमारा गली सुधार होना चाहिए। पानी बहुत लग रहा है, साग सब्जी का काम रहा, सब्जी लाना जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कचरा बहुत ठेहुन भर है, आदमी बार बार गिर जा रहा है, हाथ पैर कितने आदमी के टूट गए हैं, पूरे गली मोहल्ला का गाड़ी दे रहे हैं। हमारे लोगों की सुविधा बहुत बेकार हो रहा है। जय ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी कुछ भी करवा लीजिए, हम लोग नहीं गली बनवाएंगे, हमारे लोग को वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, आपने वोट नहीं दिया, ये लोग कह रहे हैं आप लोग? प्रधान कह रहे हैं। अच्छा, इनका रख दिए हैं, खड़ाइचे उजड़वा दिए हैं, लेबर के खर्चे भी नहीं दिए हैं। अच्छा, बोल के गली के खड़ाइचे उजड़वा दिए। कितने समय से समस्या है? ये हो गए एक साल से। एक साल से आप लोग परेशान हैं? परेशान हैं। इसके आपने इसके अलावा किस अधिकारियों को आपने पत्र दिया? आपने नहीं। आप अभी आज डीएम साहब क्या हैं, इन्होंने क्या कहा अभी? अभी तो अभी नहीं गए। ताकत अली नाम है मेरा, ग्राम पोस्ट मरिया जिला बलिया। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे गांव का जो सड़क है वो बिल्कुल जर्जर और नाली से ऊपर पानी बह रहा है, और पानी में बच्चे और बुजुर्ग जाने में बहुत दिक्कत है। हमारे मोहल्ले में 2-3 विकलांग लोग हैं, उनको तो घर से निकलना ही मुश्किल है। और 29 तारीख को उसी मोहल्ले से ताजिया निकलती है, ताजिया वो लोग निकाल भी नहीं पाएंगे, जितनी गंदगी है। और बरसात के मौसम में कीचड़ में बरसाती बीमारियां फैलने वाली है। और इसके अलावा कई बार शिकायत मैंने ब्लॉक स्तर पर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रधान के पास एक साल से मैं दौड़ रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? फिर भी वो कहते हैं एक दो दिन में काम लगेगा। ईटा भी गिरवा दिए हैं 3 महीना पहले, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी डीएम साहब क्या हैं, क्या उम्मीदें हैं? डीएम साहब का आए हैं, जो उम्मीद हमको देंगे वो तसल्ली से जाएंगे लेकर। अच्छा, नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं होगा तो आगे मुख्यमंत्री के पास पहुँचेंगे।